श्री शिवाय नमस्तम हर हर महादेव दोस्तों क्या आप जानते हैं साल 2024 में विजयदशमी का त्यौहार कब मनाया जा रहा है 12 या 13 अक्टूबर को जानिए सही तिथि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में नवरात्रि के दसवें दिन मनाया जाने वाला विजयदशमी दशहरे का पर्व कब है रावण दहन का विजय मुहूर्त पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में इससे पहले आपका स्वागत है हमारी भक्ति और भाग्य चैनल में पंचांग के अनुसार हर साल नवरात्रि के नवे दिन के बाद दसवें दिन में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को आता है इसे विजयदशमी भी कहते हैं यह शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा का अंतिम दिन होता है पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी इस दिन शुभ मुहूर्त में रावण दहन किया जाता है आइए जानते हैं साल दो हज़ार चौबीस में दशहरे की सही तिथि क्या है पूजा व रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा पूजा विधि और इसका महत्व क्या होगा विजयदशमी दशहरा शुभ मुहूर्त दो हज़ार चौबीस साल दो हज़ार चौबीस में विजयदशमी दशहरा बारह अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा दसवीं तिथि शुरू होगी बारह अक्टूबर प्रातःकाल दस बजकर अट्ठावन मिनट से दसवीं तिथि समाप्त होगी तेरह अक्टूबर प्रातःकाल नौ बजकर आठ मिनट पर श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा बारह अक्टूबर प्रातःकाल आठ बजकर पच्चीस मिनट पर श्रवण नक्षत्र की समाप्ति होगी तेरह अक्टूबर प्रातःकाल चार बजकर सत्ताईस मिनट पर विजय मुहूर्त दोपहर दो बजकर तीन मिनट से दो बजकर उनचास मिनट तक अपराहन पूजा का समय दोपहर एक बजकर सतारह मिनट से सायकाल तीन बजकर पैंतीस मिनट तक होगा विजय दशमी दशहरा में पूजा विधि क्या होगी दशहरे के दिन दोपहर के समय पूजा करना शुभ माना जाता है इस दिन घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाएं और वहां पर भगवान श्री राम और मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें पूजा में भगवान श्री राम और माँ दुर्गा के साथ देवी अपराजिता और जया विजया देवियों का भी पूजन और समी वृक्ष का भी पूजन करें सभी पूजन सामग्री में धूप दीप इसे अर्पित करें अंत में भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें विजयदशमी दशहरे का क्या महत्व तो होता है विजयदशमी यानी कि दशहरा पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से महत्व तो माना गया है दशहरा को बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर धर्म की जीत का विजय प्रतीक माना जाता है दशहरा नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का भी प्रतीक है इस दिन नए काम की शुरुआत करना शुभ होता है इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम